स्पाइनल फ्यूजन जैसे हमने बताया कि ट्यूमर के केसेस में, ट्रॉमा के केसेस में, या जहाँ भी स्पाइन अनस्टेबल हो गया है उसमें ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल कुछ और भी नई टेक्निक्स आई हैं, जिससे कि हमारे से पेशेंट हमेशा पूछते हैं कि सर ये आपने इतने सारे पेच लगा दिए, इसके बाद हमारी मूवमेंट का क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्पाइनल फ्यूजन से कैसे बचा जाए। तो स्पाइनल फ्यूजन से बचने के कई सारे तरीके हैं जो कि हम यहाँ पर काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी उसको अब एडवांसमेंट आ गई है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि स्पाइनल फ्यूजन से कैसा बचा जा सकता है और नसों को भी खोल दिया जाए, नर्व का डिकम्प्रेशन भी हो जाए और स्पाइन फ्यूज भी ना हो। तो उसके लिए हम एक बार फिर से वर्टिब्रा की एनाटमी देखेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें नसें खोलने के लिए पीछे से बोन काट के जाना पड़ता है। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसके कि बगैर ये हड्डी को हटाए हुए हम नसों को खोल सके? तो ऐसी ही एक तकनीक आई है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। आप सभी वाकिफ होंगे लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्मी, जो दूरबीन से गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं। पहले यही ऑपरेशन 4-5 इंच बड़े कट के द्वारा किया जाता था, अब छोटे छोटे 5 मिलीमीटर के होल से हम गाल ब्लैडर को निकाल सकते हैं। दूसरा, आजकल हम सब गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, गाड़ी में नेविगेशन का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम अपनी स्पाइन सर्जरी में भी नेविगेशन विद कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर नेविगेशन और रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो जो नसें छोटे छोटे होल से अराउंड 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी आप देखेंगे बोन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम इस स्पेस को यूटिलाइज करते हैं, कंप्यूटर से नेविगेट करके छोटा सा कर दे के वी एंटर थ्रू दीज स्पेसेस। अगर पीछे से जाते हैं तो पेशेंट को हम पेट के बल लिटाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, और छोटा सा कट दे के अराउंड 1/2 सेंटीमीटर कट दे के हम बोन के बीच में से जाकर दूरबीन से जो डिस्क निकल आई है, जो कोई ट्यूमर है या कोई चोट की वजह से कोई हड्डी का टुकड़ा है, उसको हम छोटे से कट से निकाल पाते हैं। अगर हम नॉर्मल हड्डी को नहीं डैमेज करेंगे तो हमें फिक्सेशन का ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं, छोटे कट से ऑपरेशन हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लड लॉस नहीं होगा, हॉस्पिटल स्टे भी जो 5 दिन की जगह 1 दिन में पेशेंट चला जाता है। और अच्छी बात है, कुछ पेशेंट्स में हम साइड वाला जो ओपनिंग होती है जिसको फोरामेन बोलते हैं, इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। उसके लिए पीछे से इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे किडनी की पथरी निकालते हैं छोटा सा कट दे के साइड से। हम इस होल में आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये डिस्क निकली हुई है, तो नस को बचा के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से हम इस डिस्क को निकाल लेते हैं। इसमें तो किसी भी मांसपेशी का, किसी भी बोन का एक अंश भी ख़राब नहीं होता है, और ये सर्जरी हम लोकल एनेस्थीजिया में भी कर सकते हैं। सो पेशेंट आएगा डे केयर में, ओपीडी में, 4 घंटे हॉस्पिटल में रहेगा, उसके डिस्क का सर्जरी हो जाएगा और पेशेंट वापस जा सकता है। तो 3 बड़े फ़ायदे इस चीज़ के हो गए कि एक तो हमने स्पाइन को फ्यूज़ नहीं किया, जो नेचुरल उसका मूवमेंट था पेशेंट वो एंजॉय कर सकता है, सारी मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन सारी ठीक रहेंगी। दूसरा, छोटे हॉस्पिटल स्टे में 1 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर इंसिजन से हम जो काम बड़े इंसिजन से करते थे वो कर पाए। दूसरा, कोई भी नेचुरल जो उसका पार्ट है, बोन है, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, फेशिया है, उसको कोई डैमेज नहीं होगा। ऐसे केसेस में मूवमेंट पूरा आ जाता है, पेशेंट का रिहेबिलिटेशन बड़ा फास्ट होता है, ब्लड लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, एंड ओवरऑल खर्चा भी बहुत कम होता है। क्योंकि 5 दिन हॉस्पिटल स्टे रहना, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करना, ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ करना, समटाइम्स ब्लड का भी हमें यूज़ करना पड़ता है, इन्फेक्शन का रिस्क भी कम हो जाता है। सो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है, पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी। दिन में ज़्यादा सर्जरी कर सकते हैं, ज़्यादा पेशेंट्स को इलाज कर सकते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, या थ्रू द ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स के साथ हम सर्जरी करते हैं।